सिटी रोड स्थित शहाबुद्दीन बाबा दरगाह पहुंच मार्ग की पुलिया को टूटी एक माह पूरा हो गया है। न तो अब बरसात आ रही है और न ही आने जाने की कोई संभावना है, लेकिन अब तक इस पुलिया का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जबकि नगरपालिका सीएमओ सीपी राय का स्पष्ट कहना था कि बरसात की समाप्ति के बाद शीघ्र ही पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा देंगे। अब जरा आप ही सोचिए साहब, जब मानसून के कोई आसार नहीं है तो इस पुलिया का निर्माण कार्य क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? आखिर क्यों नगरपालिका के अधिकारी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है? बरसात काल के दौरान जब यह पुलिया पानी में बही थी, तब नगरपालिका के अधिकारियों ने इस पुलिया के ऊपर से आवागमन न हो इसको लेकर पुलिया के दोनों ओर दीवारें बनवा दी थी और सुरक्षा बोर्ड लगवा दिए थे। बोर्ड तो अभी भी अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन दीवार दोनों ओर से टूट चुकी है या तोड़ी जा चुकी है और टूटी हुई पुलिया पर से दिन भर दो पहिया वाहन चालक अपने वाहन निकाल रहे हैं। यह मार्ग महुर रोड को भी जोड़ता है, इस कारण इस मार्ग पर आवागमन भी ठीक ठाक है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक अपनी जान की परवाह करे बगैर इस मार्ग से रोजाना गुजर रहे हैं। इस पुलिया निर्माण की मांग भी आज से नहीं हो रही, बल्कि वर्षों से नागरिक क्षतिग्रस्त पुलिया को बनवाने की मांग करते आ रहे हैं। अब तो यह पुलिया टूट भी गई है, इसके बावजूद भी नगरपालिका के अधिकारी इसका कार्य प्रारंभ नहीं करवा रहे। पुलिया निर्माण के लिए टेंडर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। अब तक तो ईश्वर का शुक्र है कि इस पुलिया को पार करने के दौरान किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचिए साहब, किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन अपने सर लेगा? नगरपालिका के प्रशासक से उम्मीद है कि वे इस टूटी पुलिया का कार्य प्रारंभ करवाएंगे ताकि नागरिकों को आवागमन में सहूलियत हो सके और किसी तरह के हादसे की संभावना को भी टाला जा सके। ये पुलिया जिस दिन गिरी थी उस दिन हमने मीडिया के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था, कलेक्टर साहब को, सीएमओ साहब को, सबकी जानकारी में है। परंतु अभी वहाँ जो लोग निवास करते हैं उनको और आने जाने वाले राहगीर को बहुत परेशानियाँ हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी बीच में बैरिकेड लगा दिए थे कि कोई उधर से निकले नहीं ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। फिर उसके बाद एक दीवार उठा दी, मतलब रास्ता बंद करने का पूरा प्रयास चल रहा है। अब हमारा मकसद ये है कहने का कि उसका जब टेंडर पहले निकल चुका था, प्रस्ताव पास है, हर चीज़ से वो बिल्कुल बढ़िया है, तो उसका काम क्यों शुरू नहीं कराया जा रहा है? ये मेरा सीएमओ साहब से, कलेक्टर साहब से भी बार बार निवेदन यही रहता है कि उस काम में जल्द से जल्द ध्यान दीजिए। वहाँ के रहवासियों ने यहाँ तक बताया कि विधायक जी भी यहाँ पास में रहते हैं और उनकी भी यहाँ बाबा के वहाँ आस्था है, वो भी आते हैं, तो वो आस्था का एक प्रतीक वाला रोड है और सारे लोग आने जाने वाले उस जगह आते हैं, राहगीर भी, और हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि उसको रोड को जल्दी से जल्दी पुलिया को बनाई जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। आपका नाम? हाजी साबिर मसूदी, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 20, नीमच।